हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY वॉलेट। ये वॉलेट हमने एक ओल्ड जीन्स से क्रिएट किया है। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है एंड इसे बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक A4 साइज पेपर लेंगे, उसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद जो कॉर्नर रह जाए वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन मार्क करेंगे। सबसे पहले 2.5 इंचेस की, फिर ब्रेथ उसका रहेगा 3 इंचेस। दोनों मार्क करने के बाद हम उसकी कट कर लेंगे। उसे कट करने के बाद जो साइड का पेपर बचा है वहाँ पर हम कुछ इस तरीके से कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कर्व लाइन ड्रॉ करने के बाद उसे भी हम कट कर लेंगे, तो ये कुछ इस शेप का होगा। हमें ये सेम थिंग हमारे जीन्स पे भी करना होगा। यहाँ जीन्स का मैंने एक स्क्वायर पीस कट कर लिया है एंड कुछ इस तरीके से हम उस पेपर को इसके ऊपर प्लेस करके सेम कटिंग कर लेंगे। हमें थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर कटिंग करना होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ट्रेस कर रही हूँ, फिर उसे अच्छे से कट कर लूँगी। तो अब हमें हमारा पेपर हमारे फैब्रिक से अटैच करना होगा कुछ इस तरीके से। मैंने फेविकॉल के हेल्प से इसे अटैच कर लिया है। अब हम हमारे जो कॉर्नर एजेस है उसे भी फोल्ड कर लेंगे एंड स्टिक कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो कॉर्नर एजेस है उसे मैं कुछ इस तरीके से कट कर लूँगी सो दैट हमें स्टिक करने में आसानी हो। एंड नाउ मैं ग्लू गन की हेल्प से इसे अच्छे से स्टिक कर रही हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारे कॉर्नर एजेस को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हमें एक और फैब्रिक चाहिए होगा, हमें थोड़ा थिक फैब्रिक चाहिए होगा सेम शेप का, हम उसे भी कट करके इस पर स्टिक कर लेंगे। अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब हम इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें दो स्ट्रिप्स की ज़रूरत होगी। हमारी स्ट्रिप्स की लेंथ उतनी ही होगी जितना लेंथ हमारे फोल्डेड एरिया का जो फैब्रिक है उतना है। सो कुछ इस तरीके से हमें ऐसा दो स्ट्रिप्स कट करने होंगे। यहाँ पे मैंने जीन्स के मटेरियल के दोनों स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं। अब इसे भी हम अटैच करेंगे। हमें इसे हाफ अटैच करना होगा फोल्डेड एरिया को पे। कुछ इस तरीके से हमने सबसे पहले ऊपर का अटैच कर लिया है, फिर बॉटम पे भी हमें हाफ ही अटैच करना होगा। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बॉटम पे भी अटैच कर लिया है। अब हमें इन दोनों को जॉइंट कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने जॉइंट भी कर लिया है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ लेते हुए हम उसे भी अटैच कर लेंगे। सो यहाँ हमने सारे स्ट्रिप्स को अच्छे से अटैच कर लिया है एंड अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा एंड हमारा वॉलेट ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसे ओपन क्लोज करने के लिए हमें एक बटन की ज़रूरत होगी। यहाँ पे मैं ये हुक का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी तरीके का बटन यूज़ कर सकते हैं। एंड इसे कुछ इस तरीके से मैंने ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर लिया है। अब इस वॉलेट को और इन्हांस करने के लिए मैं ये पैच का यूज़ कर रही हूँ, उसे मैं अपने वॉलेट की ओपनिंग पे कुछ इस तरीके से अटैच कर लूँगी एंड ये मेरा वॉलेट ऑलमोस्ट रेडी है। सो गाइस, आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के रिलेटेड आप कमेंट डाउन करके ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टिल द नेक्स्ट टाइम।